अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस टाइम हम मौजूद हैं ग्रीन लाइन के जो सरजानी टाउन है, मेन जो लास्ट जो इसका स्टॉप है, इसके इंफॉर्मेशन डेस्क पे ये साहब है, तो इनसे कुछ बातें करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की सर्विस है और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर बताएंगे, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो किस तरह मालूम करें, वो यहाँ पर आ जाएं बस? जी, यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी सवाल पूछेंगे हम आपको बता देंगे, हम आपके लिए आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पेपर टिकट जो है यहाँ पे 55 रुपए का दिया जा रहा है। सही सही। पहले आप एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जाएं, यहाँ पे नुमाइश तक चले जाएं। सही सही सही। उसके बाद अगर आप ये कार्ड होता है हमारे पास, ये कार्ड की वैल्यू है 100 रुपीज। अच्छा। उसके अंदर आप जितना चाहे बैलेंस डलवा लें, फिर उसके बाद अगर आप उसके अंदर मतलब आप कार्ड के अंदर अगर सफर करते हैं तो आपके किलोमीटर के हिसाब से पैसे कटेंगे। सही है, तो कम पड़ेगा आपको। हाँ, कार्ड में बहुत बेनिफिट है। अच्छा, कार्ड पे बेनिफिट्स हैं। सर मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर हूँ। अच्छा, तो कार्ड के बेनिफिट्स हैं ये। सही सही सही। अच्छा, आप बताएंगे कि अगर आपको कार्ड लेता है कोई नुमाइश से लेकर सफर कर रहा है, लास्ट स्टॉप नुमाइश है ना, ये कौन सा? ये अब्दुल्ला चौक है और लास्ट स्टॉप नुमाइश पड़ेगा। अब्दुल्ला चौक किस में आता है? नुमाइश चुरंगी में आता है? ओह सॉरी, सरजानी टाउन में आता है। अब्दुल्ला चौक पहला नंबर है, पहला स्टेशन अब्दुल्ला चौक स्टार्ट हो रहा है, ये पूर के चुरंगी की तरफ। पूर के चुरंगी में आता है। सही सही सही। तो अगर अब्दुल्ला चौक से मैं सफर करता हूँ डायरेक्टली लास्ट नुमाइश तक, तो अगर मेरे पास ये कार्ड मौजूद है तो ये 55 से कम पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा ये होता है कि किलोमीटर के हिसाब से चलता है। गाड़ी अगर 16 किलोमीटर तक जाएगी नुमाइश तक, तो उसका जो रूट जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है, उसके 55 रुपए बनते हैं। सही है। सही। उसके अलावा अगर आप कार्ड में करीबी जगह पे उतरते हैं तो आपके 15 रुपए 20 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपके 5-5 रुपए बढ़ते हैं। सही सही है। तो अगर करीबी स्टॉप के लिए तो वो बेहतर है, बजाय आपके 55 रुपए सफर करने के आप डायरेक्टली कार्ड रिचार्ज कर लें। सही सही है। और आप बताएंगे कितनी देर बाद आती है एक स्टॉप पर ये बस? एक बस तकरीबन 1.5 मिनट के या 2 मिनट के अंदर आती रहती है और हर स्टॉप पर 15 सेकंड से 10 सेकंड तक रुकती है। अच्छा अच्छा। हर 5 मिनट बाद आती है तकरीबन? हर 2.5 मिनट 2 मिनट बाद आती है। ढाई दो दिन में। और टोटल कितनी चल रही है बसेस? टोटल इसके अंदर अभी 22 बसें चल रही है और अभी 10-15 बसें ये लोग और स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नुमाइश में आजकल रश बहुत ज्यादा था। 80 बसेस परचेस की हुई वैसे टोटल, है ना? वैसे करीब है, अभी यहाँ पे 15 और खुल जाएंगे। सही। और एक में कितनी कैपेसिटी है, एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक बस में 50% बैठ सकते हैं। 50% लोग खड़े होने की भी स्पेस है, तो 70-80 तक आ सकते हैं। हाँ, आराम से आ जाए। सही सही सही। तो कैसा जा रहा है आपका रिस्पांस, कैसा है ग्रीन लाइन का आवाम की तरफ से, जो कराची के आवाम में खासतौर पे ये बहुत मशहूर रूट है? अभी तो माशाल्लाह से क्राउड भी यहाँ पे काफी ज्यादा है और रिस्पांस भी सबका बड़ा अच्छा आ रहा है। सही। ग्रीन लाइन की यहाँ पे फैसिलिटीज काफी अच्छी दी गई है और उसके अलावा बैठने उठने की जगह अच्छी दी गई है और बस के अंदर AC है और केबल वगैरह भी इन लोगों ने लगाई है, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सही सही। इसके अलावा मैंने देखा है कि हर एक के साथ पार्किंग का भी अलाउ किया हुआ है इन्होंने, बाइक्स। अच्छा, तो यहाँ पर आप बाइक्स अगर आप लेकर आते हैं और बाइक्स वहाँ पे पार्क कर लें और फिर वो सफर करके वापसी पे वो ले सकते हैं, तो ये बेनिफिट है। अगर अपने अंदर गली मोहल्ले से आ रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर लाकर। सही। गाड़ी की भी स्पेस भी है कोई? गाड़ी की पार्किंग नीचे इस तरफ खड़ी करी है। अच्छा, गाड़ी के अलाउ किया हुआ है। सही सही सही। तो अगर किसी का दूर पड़ रहा है तो वो इस तरह सफर कर ले। सही सही सही। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये जो चला रहे हैं वो डेवो वाले चला रहे हैं, डेवो के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। सही सही। तो अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है एज अ ड्राइवर, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका ही बता दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे अभी वैकेंसी वगैरह यहाँ पे 3 महीने पहले स्टार्ट हुई थी ड्राइवर्स वगैरह की, तो ये सिक्योरिटी चार्ज और अभी तक के कोई अभी वैकेंसी नहीं है, अभी तो यहाँ पे सारे टोटल सब फिक्स हो चुके हैं। सही सही। ठीक है, थैंक यू।